हेलो स्टूडेंट, आई एम शोभा पेटवाल फ्रॉम श्रीमती एल पी सवानी विद्या भवन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर, जिसमें आज हम विराम चिन्ह पढ़ने वाले हैं। तो विराम चिन्ह का हमारे हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में विशेष महत्व है। तो विराम चिन्ह की परिभाषा देखते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। इन तीनों उदाहरणों में पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है कि लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है जबकि तीनों वाक्यों में वही शब्द है। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्पविराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया है, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्पविराम लगाने से किसी को ना रोक कर जाने के लिए कहा गया है। एक बार हम उदाहरण देखते हैं। पहले में रोको मत जाने दो में कोई स्पष्ट अर्थ समझ नहीं आ रहा, कोई क्लियर मतलब इसका हमको समझ नहीं आ रहा है। दूसरे में रोको मत जाने दो, इसमें रोकने के लिए कहा गया है। और तीसरे में रोको मत जाने दो कि मत रोको इसको, जाने दो। तो एक अल्प विराम लगाने से दिए गए शब्दों में एक जैसे शब्द होने पर भी अल्प विराम लगाने से दोनों का अर्थ बदल गया है। विराम चिन्ह के प्रकार, पहला है पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा उपविराम, चौथा अर्धविराम, पांचवा योजक चिन्ह, छठा कोष्टक चिन्ह, सातवा पदलोप चिन्ह, आठवा रेखांकन चिन्ह, नौवा लाघव चिन्ह, दसवां आदेश चिन्ह, ग्यारहवा विस्मयादिबोधक चिन्ह, बारहवा प्रश्नवाचक चिन्ह, तेरहवा अवतरण या उदाहरण चिन्ह, चौदहवा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पंद्रहवा तुल्यता सूचक चिन्ह, सोलहवा विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह, और सत्रहवा है निर्देशक चिन्ह। तो हम आज 17 प्रकार के विराम चिन्हों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना, कि जब वाक्य के ख़त्म होने के बाद में हम पूरी तरह से रुक कर या ठहर जाते हैं। जहाँ एक पद पूरी हो जाए अथवा या वाक्य समाप्त हो जाए, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे पढ़ रहा हूँ, इसमें वाक्य पूरा होने के बाद में हमने पूर्ण विराम लगाया। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है, कि हिंदी का जो पूर्ण विराम सबसे प्राचीनतम विराम चिन्ह है और सबसे ज़्यादा प्रयोग पूर्ण विराम का किया जाता है। फिर दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तु को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। अल्प विराम का अर्थ हुआ थोड़ा विश्राम अथवा थोड़ा रुकना, कि जहाँ हम वाक्य के बीच में थोड़े से समय के लिए रुकते हैं वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तु का वर्णन एक साथ करते हैं तो उनके बीच बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत में गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती है,
जब भारत में गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती है, तो यहाँ पर अलग अलग वस्तुओं के बारे में बताने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। उपविराम, जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वहाँ पर उपविराम चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात जहाँ पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कि जब किसी शब्द को अलग दर्शाने के लिए उपविराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण है जैसे कृष्ण के अनेक नाम, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। तो कृष्ण के अनेक नाम बताने के लिए हमने उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया है, और मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा के बीच में हमने अल्पविराम चिन्ह लगाया है। अर्धविराम, पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्पविराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। कि जब एक वाक्य या वाक्यांश के साथ या तो पूरे वाक्य या वाक्य के थोड़े अंश के साथ में दूसरे वाक्य या वाक्यांश का हमको संबंध बताना हो तो अर्धविराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। इसमें अल्पविराम से कुछ अधिक ठहरते तथा पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं, वहाँ अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। यदि एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। इस प्रकार के वाक्यों में वाक्यांश दूसरे से अलग होते हुए भी दोनों का कुछ ना कुछ संबंध रहता है, कि वाक्य या वाक्यांश एक दूसरे से अलग है तो भी उन दोनों का कुछ ना कुछ संबंध होता है। जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया, तो यहाँ पर एक वाक्य का या वाक्यांश का हमने दूसरे वाक्य के साथ में संबंध बताने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया है। कि सूर्य अस्त हो गया तो लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। संध्या के समय आकाश में लालिमा दिखाई देती है और जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है अंधेरा हो जाता है, तो दोनों वाक्यों में संबंध बताया। योजक चिन्ह, दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है, कि दो शब्दों में परस्पर संबंध दिखाया गया सुख और दुख, तो उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है, रात और दिन शब्दों के बीच में संबंध बताने के लिए योजक चिन्ह लगाया है। कोष्टक चिन्ह, वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। कि जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो किसी शब्द का अर्थ और अच्छे से स्पष्ट करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से, तो इसमें वाक्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि अध्यापक ने चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से कहा। विश्वामित्र, क्रोध में कांपते हुए ठहर जा, तो विश्वामित्र की उस समय मानसिक स्थिति क्या थी वो बताने के लिए कोष्टक में क्रोध में कांपते हुए लिखा, अध्यापक के उसमें चिल्लाते हुए लिखा गया। पदलोप चिन्ह, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे
राम ने मोहन को गाली दी। मैं सामान उठा दूंगा पर, तो कुछ अंश छोड़कर, दोनों वाक्यों में कुछ अंश छोड़कर पूर्ण विराम लगाया गया है। इसी प्रकार से हम परीक्षा में भी जब काव्य पंक्ति पूर्ण करो दिया जाता है तो एक वाक्य एक शब्द लिखकर फिर बीच में पद लोप चिन्ह लगाकर आखिरी शब्द लिख दिया जाता है, तो वो आपको समझ आता है कि पहले वाक्य से आखिरी तक हमको पूरा कंप्लीट करना है। तो ऐसे स्थानों पर हम पदलोप चिन्ह लगाते हैं। रिक्त स्थान में भी पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रेखांकन चिन्ह, वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य रेखांकित कर दिया जाता है, जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। कि जब वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद या वाक्य रेखांकित कर देते हैं, हम जब अंडरलाइन करते हैं तो वहाँ पर हम रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसको इंग्लिश में हम अंडरलाइन बोलते हैं। तो जो हमको महत्वपूर्ण शब्द पद या वाक्य को दिखाना होता है। लांघव चिन्ह, किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, यह शून्य ही लांघव चिन्ह कहलाता है। जैसे डॉक्टर के लिए हम न लिखकर पीछे शून्य लगा देते हैं, पंडित के लिए प लिख के पीछे शून्य लगा देते हैं, तो हम डॉक्टर पुराना लिखकर ड लिखकर उसके पीछे शून्य लगा देते हैं, तो वो है लांघव चिन्ह। इसी प्रकार पंडित के पीछे प लिखकर उसके पीछे हमने शून्य लगा दिया, तो लांघव चिन्ह का हम प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि किसी शब्द को हमको संक्षेप में छोटे में लिखकर उसका अर्थ बता देना है, तो लांघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आदेश चिन्ह, किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व आदेश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कि जब हम कोई विषय को क्रम से लिखते हैं तो उसमें विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व उसके हम क्या लगा देते हैं, आदेश चिन्ह। जैसे वचन के दो भेद हैं, फिर हमने आदेश चिन्ह लगाया, फिर एक एक वचन और दूसरा बहुवचन। हिंदी भाषा में हम एक वचन और बहुवचन दो भेद मानते हैं, और संस्कृत में एक वचन द्विवचन और बहुवचन भेद मानते हैं। विस्मयबोधक, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। कि विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य और करुणा और भय का बोध कराने के लिए करते हैं। जैसे हाय, आहा, छी, अरे, शाबाश, तो इसमें हमने विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कि वाक्य के अंत में जब हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं तो वो वाक्य प्रश्न बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। अर्थात जब कि किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह क्या खा रहा है, वाक्य में प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया गया है। अवतरण या उदाहरण चिन्ह, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को उद्घृत करने से में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण चिन्ह बोल सकते हैं हम, अवतरण चिन्ह भी बोल सकते हैं। तो जब हम किसी महत्वपूर्ण
कोई महत्वपूर्ण बात हो, कोई कहावत हो या संधि हो, तो उसको एकदम दिखाने के लिए, उसको अलग से दिखाने के लिए हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। तो तुलसीदास की कही हुई बात को हम अलग से दिखाने के लिए, उसी तरह से प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। और वाक्य पूरा होने के बाद में, पूर्ण विराम के बाद में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं, और हिंदी में से हम अवतरण चिन्ह कहते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जैसे राम रामो रामाः। अब दूसरे लाइन में हमको यदि फिर से यही लिखना है तो हम क्या करते हैं, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगाते हैं। तो राम रामम, अभी बीच में फिर से हमको रामौ ना लिखकर हमने पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा दिया है, तो राम रामौ रामान, अब हमें समझ आ जाएगा कि यहाँ बीच में हमको रामौ लिखना है। तो जब किसी वाक्य को दोबारा ना लिखना हो, तो सेम एक ही वाक्य को हमको दोबारा ना लिखना हो, तो हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सूचक चिन्ह, वाक्य में दो शब्दों की तुलना या बराबरी करने में तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कि जब वाक्य में दो शब्दों की तुलना या बराबरी करते तो हम तुल्यता सूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे अच्छाई बुराई ही विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्वक चिन्ह। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसे राम जाएगा, तो जब लिखते समय में कोई शब्द बीच में भूल जाते हैं तो विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम जाएगा में बीच में शब्द भूल जाने पर हमने त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाया है। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। जैसे श्री राम ने कहा, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो इस वाक्य में श्री राम ने जो वाक्य कथन कहा है उसके आगे निर्देशक चिन्ह लगाया गया है।